नमस्कार साथियों, हमारे चैनल जीके भाई बीएसके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय एग्जाम टाइम टेबल 2020 के बारे में बताते हैं, जो कि आपकी परीक्षाएं 31 मार्च तक स्थगित की गई थी। तो आपके मन में एक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या परीक्षा 31 मार्च के बाद होंगी या 14 अप्रैल के बाद? तो इसके बारे में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखाएंगे। इसके लिए हम पहला ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि दैनिक भास्कर की ऑफिशियल कटिंग आप लोगों को दिखाते हैं। यानी 30 मार्च 2020 जी आज आज ही की ये खबर है। ब्रज विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 14 अप्रैल तक स्थगित हुई। भरतपुर महाराज सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय ने लॉकडाउन को देखते हुए 14 अप्रैल तक परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। पूर्व में परीक्षाओं को 31 मार्च तक स्थगित किया गया था, लेकिन अब इनकी अवधि 14 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इधर स्टूडेंट परीक्षाओं में शेष रहे पेपरों की नई तिथि का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री द्वारा देश में 21 दिन का लॉकडाउन किए जाने के बाद अब 15 अप्रैल तक इन परीक्षाओं का आयोजन की कोई संभावना नहीं है। उप कुल सचिव डॉक्टर अरुण कुमार पांडे ने बताया कि नए आदेश जारी होने तक सभी प्रकार की सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। परीक्षाओं संबंधी जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, किंतु विद्यार्थी अध्ययन कार्य जारी रखें, क्योंकि परीक्षाओं का जब भी नवीन कार्यक्रम जारी होगा उसमें लगातार परीक्षाएं होंगी। एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच दिनों का अंतराल कम रहेगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि आगामी होने वाली परीक्षाओं के बीच जो अंतराल है वो 1 या 2 दिन का रहने वाला है, ये स्पष्ट कर दिया है। तो दोस्तों, अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप गूगल क्रोम पर जाकर ब्रज यूनिवर्सिटी टाइप करना होगा। दोस्तों, इसके बाद आप लोगों को एग्जाम प्रमाण नोटिस पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, आप लोग पोस्टपोन्ड ऑफ एग्जाम टेल फर्दर ऑर्डर पर आप लोगों को क्लिक करके इसकी ऑफिशियल जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, ये हमने डाउनलोड कर लिया है। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय, ये कार्यालय आदेश। इस विश्वविद्यालय की वर्ष 2020 की मुख्य परीक्षाओं के संबंध में जारी पत्र क्रमांक 204 दिनांक 19 मार्च 2020 द्वारा दिनांक 19 मार्च 2020 अपराह्न समय 3 बजे से शाम 6 बजे की पारी सहित दिनांक 31 मार्च 2020 तक की अवधि होने वाली विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाएं सैद्धांतिक प्रायोगिक परीक्षा स्थगित किया गया था। कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा दिनांक 14 अप्रैल 2020 तक लॉकडाउन घोषित किए जाने के क्रम में विश्वविद्यालय के उपयुक्त पत्र की निरंतरता के आगामी आदेशों तक समस्त परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। इस संबंध में 14 अप्रैल 2020 के बाद भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अनुसार आगामी परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने एवं छात्रों के अधिकारियों शिक्षकों सभी कार्मिकों की स्वास्थ्य की रक्षा हेतु भारत सरकार राज्य सरकार के आदेशों की अनुपालना में महाराज सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय दिनांक 14 अप्रैल तक पूर्णतः बंद रहेगा। सभी अधिकारी कार्मिकों शैक्षिक स्टाफ की स्थिति घर से कार्य करने की यथावत रहेगी। दोस्तों, ये पूरा आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा दिया है। तो दोस्तों, अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से रखें।
और आगामी होने वाली परीक्षाओं में आपके लिए कम ही समय मिलने वाला है, क्योंकि इनके बीच परीक्षाओं के बीच जो अंतराल है वो कम ही मिलेगा। इसलिए अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से रखें, और जैसा इसके बारे में कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो इसके बारे में आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, यदि हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, ये आपके लिए एक अच्छी खबर है।